कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की शादी मुरादाबाद में जन्मे रॉबर्ट वाड्रा के साथ हुई। करीब 10 दिन पहले ही प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद को अपना ससुराल बताया था और बहू के नाम पर कांग्रेस के लिए वोट मांगा था, लेकिन पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी को पंजाब की बहू बताया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रियंका गांधी की ससुराल का पंजाब से क्या कनेक्शन है। जब मुरादाबाद में ससुराल है तो प्रियंका पंजाबन बहू कैसे। दरअसल पंजाब चुनाव को लेकर प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने खुद को पंजाब की बहू बताते हुए पीएम मोदी को पंजाबियत के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब को क्या पंजाबियत बताएंगे, वो तो पूरे एक साल 6 किलोमीटर दूर किसानों को मिलने भी नहीं आ सके। उधर सीएम चन्नी ने भी कहा कि प्रियंका गांधी पंजाब की बहू हैं, जबकि सब जानते हैं कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। फिर वो पंजाब की बहू कैसे हुई, तो आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा का परिवार आजादी के पहले अविभाजित पंजाब के सियालकोट में रहता था। बंटवारे के बाद लाखों विस्थापितों की तरह ही ये फैमिली भी पहले सरहद पार कर पंजाब आई और फिर यूपी के मुरादाबाद में आकर बस गई, जहां उनका पीतल का काम शुरू किया गया। रॉबर्ट वाड्रा भी पीतल कारोबार से जुड़े हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद पीतल के नक्काशीदार बर्तनों के लिए सदियों से मशहूर है। कहा जाता है कि शाहजहां के शासनकाल में यहां पीतल की शिल्पकारी को बढ़ावा मिला था, उसके बाद मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से मशहूर हो गया। सियालकोट से आने वाला वाड्रा का परिवार ने भी घर गृहस्थी चलाने के लिए पीतल के बर्तनों का कारोबार शुरू किया। वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा ने स्कॉटलैंड की मॉरिन मैकडॉनफ से शादी कर ली। मॉरिन ईसाई धर्म की अनुयायी थी। राजेंद्र और मॉरिन को 3 संतानें हुई, जिनमें 2 बेटे रॉबर्ट रिचर्ड और बेटी मिशेल है। रॉबर्ट वाड्रा का जन्म मुरादाबाद में हुआ था। साल 1997 में रॉबर्ट वाड्रा की शादी प्रियंका गांधी से हुई। चूंकि रॉबर्ट वाड्रा के दादा पाकिस्तानी पंजाब के रहने वाले थे, इसलिए चन्नी ने रॉबर्ट वाड्रा को पंजाबी और प्रियंका गांधी को पंजाब की बहू कहकर जनता से वोट मांगा। इससे पहले प्रियंका गांधी ने हाल ही में चुनाव प्रचार के लिए जब वो पंजाब गई थी, रूपनगर में सभा की थी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी उनके साथ थे। इस सभा में चन्नी ने कहा, ओ भाई, सच्ची पंजाबन है प्रियंका गांधी, ये पंजाबियों की बहू है। चन्नी की इस बात पर प्रियंका गांधी ने ताली बजानी शुरू कर दी। इंडिया न्यूज़ बारल की रिपोर्ट।